लव जिहाद को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने में पूरा विपक्ष लगा है। ऐसे में हम जानते हैं दीपक सिंह से लव जिहाद को लेकर उनकी क्या प्रक्रिया है। दीपक जी, क्या प्रक्रिया है, लव जिहाद को लेकर विपक्ष क्यों सरकार को घेरना चाह रहे हैं? हमारे देश में और उत्तर प्रदेश में संविधान की धाराओं में, कानून की किताबों में, अगर कोई व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करता है, झूठ बोलता है, अगर गुमराह करके शादी करता है, उस पर FIR होने के लिए पहले से कानून में धाराएं विद्यमान हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, हत्या का प्रदेश बन चुका है, उत्तर प्रदेश में फिरौती मांगने वाले पुलिस के सामने से फिरौती की रकम लेकर फरार हो जाते हैं, बेरोजगार घूम घूम कर सरकार से अपने रोजगार का हिसाब मांग रहा है, किसान सड़क पर उतर कर आंदोलन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कभी लव जिहाद, कभी कुछ कभी कुछ, ऐसे मुद्दों को लाकर ध्यान भटकाना चाहती है, जबकि उत्तर प्रदेश का ध्यान भटकने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश पूरे देश को उत्तर देता है। जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उत्तर प्रदेश को प्रश्न प्रदेश बना रखा था, अब बेरोजगार, किसान, पीड़ित, जिनके साथ सरकार खड़ी होकर अन्याय करती है, वो सब भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांगे। सरकार का ये कहना है कि महिलाओं को न्याय मिलेगा, महिलाओं के साथ पहले के कानून में इतना लचीलापन था जिससे उनको फ़ायदा होगा, तो महिलाओं के लिए अगर बात करें तो इससे महिलाओं को एक सम्मान देने की बात सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने 129 कानून के धाराओं में परिवर्तन किया है, संशोधन किए हैं, एक भी उस धारा में FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई। एक इवेंट बनता है, खबर बनती है और भारतीय जनता पार्टी तत्कालिक मुद्दों से ध्यान भटका कर उस तरफ जाना चाहती है। आज के समय में भी भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी से, किसानों के साथ जो प्रताड़ना सरकार कर रही है, बलात्कार के अपराधों से, फिरौती से मुक्ति दिलाने के बजाय फिरौती से अपने ओर से ध्यान हटाने के लिए सरकार ऐसे कानूनों की चर्चा करती है, लव जिहाद जैसी बातें करती है। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 4 साल की असफलताओं पर ध्यान भटकाकर लोगों का ध्यान लव जिहाद तरफ ले जाना चाहती है, जिससे लोगों का ध्यान कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली से हट सके। उत्तर प्रदेश में सारी चीज़ों के लिए कानून है। हमारे देश के बड़े बड़े विद्वान लोगों ने बड़े ही मेहनत से कानून का निर्माण किया था। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनके यहाँ नागपुर में कानून बनते थे, कानून ऐसे कि जो उन देशों के कानून पर जहाँ ऐसे सीरियत कानून चलते हैं उनसे भी ज़्यादा इनके कठिन कानून बने थे, तो ऐसे लोगों को देश की जनता नकारती है, प्रदेश जनता नकारती है। हाँ, ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों से धोखा हो गया था, हिंदुस्तान लोगों को धोखा हो गया था। 2022 में उत्तर प्रदेश जनता इन धोखेबाजों से हिसाब बराबर करना चाहती है, जिसका परिणाम है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमाम अन्य प्रदेशों के लोग भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार से हिसाब मांगने पहुँचे हैं। अगले महीने जनवरी से उत्तर प्रदेश के ऐसे लोग हिसाब मांगने पहुँचे हैं। सपा के बाद कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मुद्दे पर विरोध करती सरकार की नज़र आ रही है। अब पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। अमेठी से राजकुमार मिश्रा के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।